नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत हैं समाचार। गढ़वा पुलिस ने किया शिव सिंह यादव हत्याकांड का खुलासा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री अवध कुमार यादव ने बताया कि गढ़वा थाना अंतर्गत दिनांक 21/5/2022 को ग्राम सुखबाना निवासी शिव सिंह यादव उम्र करीब 57 वर्ष, पिता स्वर्गीय ग्रहण सिंह यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसकी छानबीन में मामले का खुलासा हुआ कि शिव सिंह यादव को उसके भतीजे पंकज सिंह यादव पिता दरोगा सिंह यादव द्वारा ही परिवार वालों के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत पूर्व से चल रहे जमीनी विवाद को लेकर गोली मारकर शिव सिंह यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसके आलोक में मृतक की पत्नी सुगदा देवी के द्वारा आवेदन देकर गढ़वा थाना कांड संख्या 254/22 दिनांक 21/5/2022 धारा 341, 323, 302, 120 बी, 506 भदावी तथा 27 शस्त्र अधि अंकित कराया गया था। घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी, अग्नेयास्त्र की बरामदगी तथा कांड अनुसंधान एवं उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय गढ़वा के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय गढ़वा के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी टीम के द्वारा उक्त घटना को अंजाम देने वाले अपराध कर्मी पंकज सिंह यादव उम्र करीब 20 वर्ष, पिता दरोगा सिंह यादव ग्राम सुखबाना तथा उनके सहयोगी मुकेश कुमार उम्र 22 वर्ष, पिता सुरेंद्र यादव ग्राम सुखबाना तथा हत्या में प्रयुक्त अग्नियास्त्र छिपा करके रखने वाले पंकज सिंह यादव का सहयोगी विकास कुमार उम्र 18 वर्ष, पिता सजय राम ग्राम सुखबाना तीनों थाना जिला गढ़वा को कल 29/5/2022 को गिरफ्तार किया गया। साथ ही प्राथमिक अभियुक्त पंकज सिंह यादव पिता दरोगा सिंह यादव की निशानदेही पर मृतक शिव सिंह यादव की हत्या में प्रयुक्त अग्नियास्त्र 7.65 mm पिस्टल को विकास कुमार पिता संजय राम के पास से बरामद किया गया। तीनों अपराध कर्मियों ने अपने अपने विरुद्ध लगे आरोपों को स्वीकार किया। शेष अपराध कर्मी दरोगा सिंह यादव एवं अन्य नामजद की गिरफ्तारी हेतु एसआईटी टीम द्वारा संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ग्राम सुखबाना में पिछले 21/5/22 को सुबह यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या को अंजाम देने में उसके परिवार के भतीजा और के लोग जो जमीनी विवाद के कारण पूर्व नियोजित एवं षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या को अंजाम दिए थे और उसके बाद घटना के बाद वो फरार हो गए थे। तो इस कांड में शामिल अन्य अभियुक्तों और घटना कारित करने वाले अपराधकर्मी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा गठित टीम के द्वारा इस कांड के अपराधकर्मी मुख्य अपराधकर्मी पंकज सिंह यादव एवं उनके अन्य सहयोगी मुकेश सिंह यादव, विकास सिंह और की गिरफ्तारी की गई और घटना में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र की भी बरामदगी कर जब्त किया गया। कहां से गिरफ्तारी? ये ग्राम सुखबाना में ही छुपे हुए थे, भाग गए थे बाहर। उसके बाद ये लोग ग्राम सूचना मिली, ग्राम सुखबाना में छुपे हुए थे, सूचना के आधार पर फिर उसकी गिरफ्तारी की गई। और कितने लोग हैं? अभी अन्य लोग हैं शामिल इसमें, जिसकी गिरफ्तारी की जाएगी शीघ्र। छापेमारी टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के नाम इस प्रकार हैं: अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अवध कुमार यादव, थाना प्रभारी कृष्णा कुमार, संजय कुमार, कृष्ण कुमार कुशवाहा, प्रवीण कुमार, अभिमन्यु कुमार सिंह, सूर्य प्रकाश दुबे, इंद्र कुमार मंडल, श्रीकांत पासवान, अमित कुमार सिंह छापेमारी टीम में शामिल रहे। धन्यवाद। गढ़वा का गौरव हरे भरे गार्डन से सुशोभित उत्सव गार्डन, 400 कुर्सी का एसी हॉल, अन्य 100 कुर्सी का दो हॉल, 4 एसी डीलक्स रूम, 5 डीलक्स रूम, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, 1600 लोगों को एक साथ मीटिंग करने की सुविधा, मैरिज लॉन, बुकिंग के लिए संपर्क करें उत्सव गार्डन कचहरी रोड बिजली ऑफिस के सामने गढ़वा।